इस व्यक्ति का नाम सिरिल लोपेज है। वे कर्नाटक के कुमाता तालुक के अलवी कोडी से ताल्लुक रखते हैं। वे इस क्षेत्र में मानसिक बीमारी से ग्रसित और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए आशा की किरण हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने निस्वार्थ कार्यों की वजह से अन्य लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। शादी करने और पैसे कमाने के बारे में सोचने की बजाय शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। पिछले 10 वर्षों से लोपेज दयानिलय केंद्र बनाकर ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं और निशक्त लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मानसिक बीमारी वाले लोगों और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाने की इच्छा है। मेरे भाई मेरे लिए ये अच्छा काम करने की प्रेरणा है। इन बच्चों को समाज में पहली वरीयता मिलनी चाहिए। सिरिल लोपेज अपने भाई जैकी लोपेज की दिव्यांगता से प्रेरित थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिरिल काम करने के लिए विदेश चले गए, लेकिन अपने भाई की परेशानियों को देखकर उनका पालन पोषण करने के लिए घर वापस आ गए। विदेश से लौटकर घर आने के बाद वे अपने भाई और माता पिता के पालन पोषण में जुट गए थे, जो शारीरिक अक्षमता का सामना कर रहे थे। अपने माता पिता और भाई के लिए काम करने के बाद सिरिल ने अन्य अनाथ लोगों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया, जो कि शारीरिक अक्षमता और मानसिक बीमारी की स्थिति में थे। उन्होंने अपने घर को एक आश्रय के रूप में बदल दिया और इसे नाम दिया दयानिलय, जहाँ मानसिक बीमारी वाले लोगों का पोषण किया जाता है। सिरिल इन लोगों को आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए शिक्षा और अन्य कलाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मैं इन बच्चों को योग सिखाता हूँ। इन बच्चों को योग सिखाना काफी कठिन है। 5 छात्रों को योग सिखाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। दयानिलय में ना केवल बच्चे बल्कि बिल्लियां, गाय, कछुआ, मछली, मोर और अन्य जानवर भी पाले जाते हैं। इससे बच्चों को उनके साथ घुलने मिलने का अच्छा अवसर मिलता है। सिरिल मानसिक स्थिरता के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। सिरिल लोपेज निस्वार्थ सेवा की वजह से प्रशंसा और मान्यता के पात्र हैं। हम उन्हें उनके सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।